हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो जैसा आपको पता ही होगा कि हम हैं एम्स्टरडैम में, और मैंने आपको जो अपना होम का रूम का टूर के कराया था, तो जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी ना खिड़की के सामने से, वो यही लोकेशन है। देखिए सारे बोट वगैरह लगे हुए हैं, इतने सारे बोट। और मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, पता है? देखिए, आपने कभी का बोट हाउस देखा है क्या? हमारे जस्ट पीछे है बोट हाउस। ये प्रॉपर घर है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये घर है और यहाँ पे कभी कभी वो लोग आके रहेंगे, नहीं, ये किसी का परमानेंट घर है। क्योंकि पता है जो एम्स्टरडैम में ना जमीन की बहुत कमी है, तो इसीलिए जो लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि जमीन ले सके, वो अपना बोट पे ही अपना घर बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे, जिनका भी ये घर है उन्होंने कैसे पूरा बोट पे ही अपना गार्डन वगैरह सेटअप करके रखा है। तो ये प्रॉपर बोट हाउस है, देखने में तो बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ कि काफी फैंटेसी वाला लगता है ना, कि अच्छा लगता होगा कि कैसे बोट हाउस में रहते हैं। मैं भी एक दिन के लिए तो रहना चाहूंगी, कैसा है, तो अच्छा लग रहा है। और मैं जब निकली ना, तो मैंने सोचा था आज भाई इतनी ठंडी नहीं होगी भाई, लेकिन निकलते ही ना एम्स्टरडैम में ना ठंड भले ही कम हो, पर हवा हर टाइम चलती रहती है, इसीलिए आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमने कल एक जैकेट खरीदी थी जो कि अभी हमें वापस करनी है, तो हम चलते हैं, वो जैकेट वापस करते हैं और आगे चलते हैं, और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। मेरे जस्ट पीछे है डामस्टाग वाटर फ्रंट। तो जब भी आप एम्स्टरडैम के बारे में या एम्स्टरडैम की कोई फोटोज देखते होंगे, तो आपको डेफिनेटली जो मेरे पीछे जैसे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है ना, उसी की फोटोज आपको देखने की मिलती है। तो ये ऐसा लोकेशन है, आप जैसे इस साइड में देखो, मेरे लेफ्ट साइड में सारे बोर्ड्स और सब लगे हुए हैं, पीछे सारी पुरानी एम्स्टरडैम की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, जस्ट सामने मेरे शॉपिंग स्ट्रीट है। तो ये परफेक्ट लोकेशन है, इट्स अ मस्ट विजिट। तो मेरे पीछे जो घर दिख रहे हैं ना, उनको बोलते हैं जिंजर ब्रेड हाउसेस, बिकॉज ये जिंजर ब्रेड की तरह दिख रहे हैं, और ये एक मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेस है एम्स्टरडैम में। अभी तो बारिश हो रही है, इनफैक्ट मैं बोलूँ सिर्फ एक ही दिन का मौका मिला है हमको घूमने का, हर दिन बारिश हुई है। पर अगर इवनिंग में, जैसे सनी डे हो ना, तो इवनिंग में आप आओ तो ये पूरी पानी पे ना वो बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन पड़ता है, हल्का हल्का में भी आपको दिख रहा होगा, तो एकदम परफेक्ट फोटोज यहाँ पे आएंगे। जो रियल एम्स्टरडैम पिक्स है ना, कि बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन पड़े पानी पे, तो वैसी फोटोज आपको यहाँ पे आके मिल सकती है। तो फोटोग्राफर्स के लिए अलर्ट है ये। तो जब आप एम्स्टरडैम में आओगे ना, तो आपको एक चीज नोटिस होगी, जितने भी लोग रास्ते में से गुजर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग के हाथ में एक जैसे ना कोन टाइप रहेगा, जिसमें हमारे यहाँ पे झाल मुड़ी देते हैं ना, उसमें वो लोग या तो फ्रेंच फ्राइज या फिर चूरोस जो मैंने आपको दिखाया था वो खा रहे होंगे। तो मेरे जस्ट पीछे है हॉलैंड नंबर वन फ्रेंच फ्राइज, तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, भीड़ लगी होती है, तो वो चलिए ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसी है। और हर फ्रेंच फ्राइज के शॉप के सामने ना आपको ऐसे डस्टबिन के ऊपर आर्टिफिशियल फ्रेंच फ्राइज दिखेंगे। तो कल मैं जा रही थी, तो मैंने दो बच्चों को देखा, भीड़ थी, वो इसी को चाटे पड़ी थी, चाट के, मतलब जैसे बच्चे नहीं करते वैसे कर रहे थे, तो मुझे बहुत फनी लगा। अब इसकी क्वांटिटी देखो, ऑलमोस्ट एक आदमी का लंच जैसा नहीं लग रहा है, कितने ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज हैं। पर मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी, मैंने यहाँ जैसे फ्रेंच फ्राइज, मतलब इससे पहले भी मैंने कल खाया था एक शॉप में, इट वॉज इक्वली और आई वुड से बेटर देन दिस नंबर वन फ्रेंच फ्राइज, बट डेफिनेटली एम्स्टरडैम जैसे फ्रेंच फ्राइज मैंने कभी नहीं खाए हैं। मैकडोनल्ड्स को का बाप है ये, मैं बोलूँगी इट्स डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब आप यहाँ पे आइएगा, इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अभी आप देखिए, जो मैंने सॉस लिया है ना, ये वेगन मायोनीज है, तो यहाँ पे ना थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नेवर नो, टॉफ़ी वगैरह में भी ना ये सब बीफ का सब मिला देते हैं, तो इसीलिए बहुत केयरफुल रह के आप थोड़ा इन्ग्रीडियंट्स देख के लीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो वेगन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, तो इसलिए हमने वेगन मायोनीज ले लिया है, तो अच्छा है, एटलीस्ट रिस्क तो नहीं है कि कुछ और नॉनवेज खा रहे हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो। और मेरे पीछे देखो कितने कबूतरों ने अटैक कर दिया, कुछ लोगों ने इनको फ्रेंच फ्राइज दे दिया, तो एकदम सर के ऊपर से जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे भाई कबूतरों का राज है, ये तो मैंने देख लिया है, आदमी जैसे दबंगई से रहते हैं कबूतर यहाँ के।
एक और चीज जिनके लिए एम्स्टरडम फेमस है वो है यहाँ के चीज। तो अगर जब यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको हर थोड़े थोड़े दूर पे ना चीज की दुकानें देखने को मिलेंगी, और ऐसे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे ना आप अंदर जाके चीज टेस्ट भी कर सकते हो और उसको खरीद भी सकते हो। तो चीज तो पक्का यहाँ पे आए हो तो टेस्ट करना और खरीद के भी ले जाना। मेरे पीछे आपको देख के क्या लग रहा होगा, जैसे ये कोई क्रॉकरी या बाउल वगैरह रखे है ना, तो ये बाउल नहीं है, चीज है। इतने मोटे मोटे, इनफैक्ट तो इतने बड़े बड़े चीज के पूरे क्या मैं बोलूँ ब्लॉक्स रखे रहते हैं ना, तो हर जगह चीज ही चीज। तो मतलब इफ यू आर इन एम्स्टरडम यू आर इन वर्ल्ड ऑफ चीज। मैं ये खा रही हूँ, कासोफले इसका नाम है, इसमें इट्स अ पॉकेट ऑफ चीज। और मेरे सामने का वेदर देखो, बारिश हो रही है बाहर और मैं आराम से एंजॉय कर रही हूँ, नज़ारे ले रही हूँ बारिश के। चलिए मैं आपको आज ना टॉफीज और चॉकलेट्स और स्वीट्स की दुनिया में लेके चलती हूँ, तो चलिए हमारे साथ। भाई ये हाहाकार है, अमेजिंग अमेजिंग, लुक एट दिस। ब्रेन लिकर, ब्रेन लिकर, लेमन हर्ड, और देखते हैं और क्या है। ट्विजलर्स, आओ और देखते हैं। अमेजिंग, तो ये जो किंगडम ऑफ स्वीट्स है ना, ये सच में किंगडम ऑफ स्वीट्स ही है, क्योंकि इतनी बड़ी स्वीट्स की टॉफीज की दुकान मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी है। और ऐसे ऐसे टॉफीज कैंडीज मिल रही हैं, और ये जो सेक्शन है ना, इसमें आप चाहो तो ये कैंडीज को टेस्ट भी कर सकते हो फिर, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इतने सारे फ्लेवर्स के हैं, तो आप टेस्ट करके भी इसको फिर आप अपना लेके जा सकते हो। ये लंबे लंबे कैंडीज भी देखो मिल रहे हैं, तो ये तो भाई मस्ट विजिट है। मेरे को तो ना अपना बचपन याद आ गया यहाँ पे आके। कुछ तो लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा है। वाव, लुक एट दिस, लुक एट दिस। And it's soft, soft. इतना soft है ये, seriously. ये देखो, अलग-अलग flavors के. And I think you press and you'll get it from here. Hazardously sour candy. टॉक्सिक कैंडी, बाप रे। मुझे ये दिखा मार्शमेलो, मैंने सोचा इसको लेती हूँ, पर जब मैंने इंग्रेडिएंट चेक किया तो पीठ लिखा है कि बीफ के फैट से ये बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी जो भी मिल रहा है वो आप खा सकते हो, वेगन सिंबल देख के लेना है, कहीं कहीं वेगन है शायद, किसी किसी पे बना है, बस सब पे नहीं बना हुआ है। यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है वेगन वाला, मतलब ये वेगन वेगेटारिश। मुझे ये दिखा, देखो कमोड में चॉकलेट है, और भी है, येलो कमोड्स भी हैं, चॉकलेट ना फनी है, एक से एक क्वर्की चीजें हैं सच में, बहुत ज्यादा। ये देखिए क्या है, लाइफ सेवर मिंट्स, जैसे अपने यहाँ वो नहीं मिलता है क्या,
मेंटोस है कि कुछ तो रहता है ना ही, वैसे ही एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पोलो पोलो याद आ गया, पोलो पोलो जैसे नहीं रहता था, गोल गोल ऐसे खाते थे वैसा ही है पोलो। कुछ आपने स्वीट को लंबाई से नापा है? देखिए ये 1 मीटर स्वीट है, 1 मीटर ऑफ स्वीट्स। मैं कितनी लंबी हूँ देखती हूँ। तो ये यहाँ की फेमस डिश है, मैंने इसको बार्सिलोना में भी खाया था, इसका नाम है चूरो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं इसको यहाँ पे सेकंड टाइम खा रही हूँ। तो पिछली बार मैंने मिस कर दिया था वीडियो लेना, पर इस बार आपको दिखाने के लिए। तो ये स्वीट और क्रिस्पी होता है और अमेजिंग होता है, इट्स अ वर्थ ट्राई इन एम्स्टरडैम। कितना अच्छा लग रहा है ना, फैसिनेटिंग। इस पर आप सिरप वगैरह भी डलवा सकते हो, इस बार हमने नहीं डलवाया है, लास्ट टाइम डलवाया था तो बहुत थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो गया, तो इस बार ऐसे ट्राई कर रहे हैं। तो अभी टाइम है फॉर सम कैंडल लाइट कॉफ़ी, तो हम एंजॉय करते हैं। चलते चलते बहुत थक गए तो हमने सोचा कॉफ़ी पी लेते, और बाहर इतनी ठंड है ना, तो ये तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। देखो कितनी सुंदर लग रही है कॉफ़ी विद अ स्मॉल कुकी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे।